हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सीए शिल्पी सोनी और हम यहाँ पर आए हैं। हमारे जो पेपर है, पेपर नंबर 1, दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, उसके बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले कुछ बातों को टिपिकली स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि हम सीए फाउंडेशन का जो कोर्स है उसको डील करने वाले हैं, जिसका पेपर नंबर 1 जो कि है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, वो आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेरा नाम सीए शिल्पी सोनी है और ये सफर में मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और लेट्स टॉक अबाउट योर सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। हम डील करने वाले हैं आपके पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 1 दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये सबसे पहला पेपर है और हमें पता है कि हम सीए करने जा रहे हैं, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो हमारे तो अपने डिग्री के नाम में ही अकाउंट्स है, और जो बातें आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें आपको आगे और कोई नहीं बताएगा। वो ये ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि आपने जो ऑलरेडी बातें कर रखी हैं वो आप फाउंडेशन लेवल पे पढ़ के आए हो। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं मानूंगी कि आप सब कुछ पढ़ के आए हो। 11th 12th में जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो अलग होता है, और अब हम प्रोफेशनल कोर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है पढ़ने का, वो ऑब्जेक्टिव अलग है। ठीक है, अब हम चीज़ों को ज़्यादा एनालिटिकल तरीके से पढ़ने वाले हैं, चीज़ों को ज़्यादा ढंग से समझने वाले हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ ऑलरेडी 11th 12th में पढ़ी है, दैट इज़ वेरी गुड, वो आपके लिए बेस का काम कर सकती है। लेकिन मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगी जिससे जैसे आपने इसको कभी नहीं पढ़ा हो, और हम स्टार्टिंग से लेके चीजों को आगे बढ़ेंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि किस लेवल की पढ़ाई हमें स्टार्ट करनी है। ठीक है, सबसे पहले पेपर नंबर 1 जिसकी वेटेज 100 मार्क्स की है। सीए फाउंडेशन आपका ऐसा एक एग्जाम है जिसमें आपके 400 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 25% हमारा हिस्सा है, दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग 100 नंबर का। ठीक है, इस पेपर की तरफ क्या है, उसमें क्या पढ़ना है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो पेपर है, दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग जो कि हमें पढ़ना है, इस पेपर में 6 क्वेश्चन आते हैं। इस पेपर में 6 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन की वेटेज 20 नंबर की होती है। हर एक क्वेश्चन की वेटेज 20 नंबर की होती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम, ये तो 120 नंबर हुए, पेपर तो 100 नंबर का है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, और बाकी से जो 2 से 6 के क्वेश्चंस होते हैं उनमें से आप कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ये बनता है क्वेश्चन 100 नंबर का। ठीक है, इसमें मैक्सिमम वेटेज ऑफ द क्वेश्चन इज 15 मार्क्स। आपका एक क्वेश्चन 15 नंबर तक का भी आता है। ठीक है, वो चाहे पार्टनरशिप से भी आ सकता है, वो कंपनी से भी आ सकता है, वो किसी से भी आ सकता है, लेकिन आपका वो जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स तक का भी आ सकता है। इसका मतलब या तो वो क्वेश्चन 1 नंबर का भी हो सकता है या वो क्वेश्चन 15 नंबर का भी हो सकता है। तो हमें हर चैप्टर को इस ढंग से पढ़ना है कि हो सकता है कि इसी वाले चैप्टर से वो हमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द राइटिंग, समटाइम्स दीज पेन्स थोड़ा सा ये परेशान करते हैं, लेकिन ओके। हम इनको दो हिस्सों में बांटेंगे, एक ऑलरेडी सीन और एक न्यू। हमारा जो पेपर
पोर्शन है जो ओवरऑल सिलेबस है उसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे, जिसका एक है ऑलरेडी सीन जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और दूसरा है न्यू जो आपने अभी तक 11th 12th में कहीं भी देखा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बार बार एक बात बताई है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच के चलूंगी कि जो ऑलरेडी सीन वाला पोर्शन है वो मुझे नहीं ढंग से पढ़ाना है, बल्कि उसमें मुझे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपके साथ, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी और से कुछ बातें सुन के आए हो, आपने ऑलरेडी परसेप्शन डेवलप किया हुआ है, तो उस चैप्टर्स को पढ़ाने में तो हमें और मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पर एक चैप्टर है, कुछ चैप्टर्स हैं न्यू जो आपने नहीं देखे हैं, आपने यहां देखने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर्स। चैप्टर नंबर वन इज द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर वन इज थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर टू इज अकाउंटिंग प्रोसेस। चैप्टर नंबर टू इज अकाउंटिंग प्रोसेस। चैप्टर नंबर थ्री इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर फोर यहां पे दिखेगा। इन्वेंट्रीज। चैप्टर नंबर फाइव इज डेप्रिसिएशन। चैप्टर नंबर सिक्स हमें फिर से यहां दिखेगा, दैट इज अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर आपको मिलेगा कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस और एक पोर्शन यहां पे भी मिलेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। यह है चैप्टर नंबर सिक्स में ही, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज आपने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है इसलिए हम उसको इसमें कंसीडर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर सेवन इज फाइनल अकाउंट्स, दैट इज विथ एंड विदाउट एडजस्टमेंट्स। पहला वाला विदाउट एडजस्टमेंट्स, जैसा कि आपने 11th क्लास में देखा है, फिर विथ एडजस्टमेंट्स। एट इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। एट इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। नाइन्थ इज अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एंड टेंथ इज कंपनी अकाउंट्स। एंड टेंथ इज कंपनी अकाउंट्स। यहाँ पर जो आपने 11th 12th में ऑलरेडी देख लिया है, और ये पहले सीए इंटर में होता था, ये पहले सीए इंटर में होता था, लेकिन अब आपको भी पढ़ना होगा दोस्त, ये सीए फाउंडेशन में नया ऐड किया गया है सीए इंटर से हटा के। तो देयर आर टोटल टेन चैप्टर्स गिवन बाय द आईसीएआई आपके सिलेबस में। इन्होंने 10 चैप्टर्स दिए हैं जिनको दो मॉड्यूल्स में बांटा है, मॉड्यूल नंबर वन इज फ्रॉम चैप्टर 1 to 6। ये वाली बातें मॉड्यूल वन में आती हैं, और चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 7 से लेकर 10th तक की ये जो बातें हैं वो मॉड्यूल टू में आती हैं। आपको आईसीआई की तरफ से दो किताबें दी जाएंगी अकाउंट्स की, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2,
जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक मॉड्यूल 1 में होगा और चैप्टर नंबर 7 से लेकर 10 तक मॉड्यूल 2 में होगा। ठीक है, ये है आपका सिलेबस, ये है आपका सिलेबस जो ओवरऑल आपको पढ़ना है। और आपको पढ़ने से पहले, आगे चलने से पहले मैं कुछ बातें आपको और क्लियर कर दूं। सिलेबस के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया, केवल ये बताया कि ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको देखने हैं, जो हमें साथ में देखने हैं, इस पर्सपेक्टिव से कि जितनी भी बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करूं वो बातें आपको और अच्छी ढंग से समझ में आए। ठीक है, इसके लिए आपको जो काम करना है वो ये है, इसके लिए आपको जो काम करना है वो ये है कि वी आर गोइंग टू हैव टू नोटबुक्स फॉर अकाउंट्स। पेपर नंबर 1 के लिए हमारे पास दो नोटबुक्स होंगी। द फर्स्ट बुक विल बी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, व्हाटएवर चैप्टर्स वी आर गोइंग टू डील, जो भी चैप्टर्स हम पढ़ने वाले होंगे उनकी जो भी थ्योरिटिकल पोर्शन है, उसका जो भी कॉन्सेप्ट का जो पोर्शन है वो हम लोग एक नोटबुक में लिखेंगे, और जो भी हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है, जो भी सम वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सारे हम एक अलग नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, द रीजन बीइंग कि जब भी आपको सब कुछ रिवाइज करना होगा आपको एक ही नोटबुक से सब कुछ मिल जाएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और जब भी आप कोई चैप्टर सॉल्व करना चाहेंगे, तो आपके पास, आप सामने अपना कॉन्सेप्ट रख सकते हैं और यहाँ पर अपने नोटबुक रख सकते हैं जिससे आप उसको इजिली रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू हैव टू नोटबुक्स, फर्स्ट फॉर द कॉन्सेप्ट एंड सेकंड फॉर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, आगे चलते हैं टुवर्ड्स द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। हम चलते हैं आगे टुवर्ड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है दोस्त, उसके अंदर सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो 12 नंबर का आता है, 12 मार्क्स। सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो 12 मार्क्स का आता है, जिसमें जो क्वेश्चन होता है वो होता है ट्रू और फॉल्स And that too with reasons. तो ये एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है कि आप बताइए कि ये सही है या गलत, और आप जो भी बता रहे हैं कि क्यों सही है या गलत ये भी आपको बताना है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें रीजन पूछा हुआ है तो ये प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, जिसमें एक थ्योरी का क्वेश्चन कंपलसरी वो पूछते हैं, और वो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन होता है। वो आपसे चैप्टर नंबर 1 का एक क्वेश्चन वो यहां पर पूछते हैं 4 नंबर में, और यहां पर भी यूजुअली एक थ्योरी का ही क्वेश्चन होता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। हो सकता है कि वो प्रैक्टिकल भी आपसे पूछे, हो सकता है कि वो कोई और भी चीज आपसे पूछे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो 20 नंबर है यहाँ पर आपको काफी सारा थ्योरी पोर्शन देखने मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि आपके 100 नंबर के पेपर में 20-25% तो मिनिमम थ्योरी होगी ही होगी। ठीक है, तो आपने थ्योरी को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, ये वो प्रैक्टिकल में लगे पड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी, 10 मार्क्स 10 मार्क्स। ये दोनों क्वेश्चन यूजुअली प्रैक्टिकल होते हैं, और बाकी के जो भी क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6, उनका कोई भी एक अरेंजमेंट हो सकता है अपने आप में। जैसे वो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा जनरली, अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या पता आगे हो भी सकता है, लेकिन ऐसा करने से पेपर बहुत लेंदी हो जाता है। ऑलरेडी अकाउंट्स के पेपर में कभी भी बच्चों को ये परेशानी नहीं आती कि हुआ क्या,
उनको हमेशा ये परेशानी आती है कि आ रहा था पेपर, सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन सॉल्व करने में हमें कई बार समय ज़्यादा लग जाता है, उसकी यहाँ पे परेशानी आ सकती है। तो हमें इस क्लास में चीज़ों को समझने के साथ साथ टाइम मैनेज करना भी सीखना है, कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कई बार कुछ पोर्शन जो हम थ्योरी के डील करते हैं उससे हमारा समय भी बचता है, उससे हमारा समय भी बचता है और हमें नंबर भी मिलते हैं। एग्जामिनर चाहता है कि आपके पास उसको दोनों चीज़ें मिलें, आपके नोटबुक में उसको, आपके आंसर शीट में उसको थ्योरी का भी एक आध क्वेश्चन मिलना चाहिए, प्रैक्टिकल का भी मिलना चाहिए। ऐसा आप नहीं करेंगे कि सिर्फ प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल आप लिखें, उससे आपका कभी भी कोई बहुत फायदा नहीं होना है। तो चलिए, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज द सिलेबस डिस्कशन। हम एक सिलेबस डिस्कशन को यहाँ पर रेस्ट करके अब हमारे चैप्टर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 से जरूर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि वो नए हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, नया है, तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपसे पूछा जाए, आपसे समझा जाए कि आप कैसे उसको देख रहे हो, नई चीज़ें हैं, आपने सीखी या नहीं सीखी। तो वो तो जब समय आएगा तब लाइन से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स आर पोर्शन ऑफ द स्टडी। जितनी भी चीज़ें हमें अभी देखनी है उसकी तरफ हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट बना रही हूँ, और उस चार्ट के ऊपर हम कुछ बातें करेंगे। चलिए, इसके बाद की बात हम यहां से लिखेंगे। फटाफट से इसको कंप्लीट करने के बाद अभी एक सेकेंड में जस्ट हम इसको डील करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास पहले से लिखा होगा तो इट विल बी मोर इजी। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। हमने जब पहली बार अकाउंट्स देखा था, उसी दिन हमें एक डेफिनेशन याद करवाई गई थी, कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। सबसे पहली लाइन हमें ये याद दिलाई गई थी कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, और जब भी दो शब्द प्रोसेस का नाम आता है ना, तो प्रोसेस का मतलब होता है जो भी चीजें सीक्वेंस में होती हैं, उनको कहा जाता है प्रोसेस। जब इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, उसको कहा जाता है प्रोसेस, ठीक है। तो हमें अकाउंटिंग की पहली दिन ही सिखाया गया हमें कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, इसका मतलब यहां पर भी कई सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज वहां पर लगाई जाएंगी, ठीक है। तो वो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज क्या है? वो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी है ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग,
क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द यूजर्स. आपको याद आया ये? एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द यूजर्स, ये डेफिनेशन आपको बचपन से सिखाई गई थी. क्या कहा गया था कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफिकेशन होती है, रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफिकेशन होता है, समराइज होता है, उसके बाद उसमें एनालिसिस होता है और जो रिजल्ट आता है उसको हम यूजर्स को बताते हैं. ठीक है, तो यही चीजों को हम यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्त. क्या बात कर रहे हैं कि यहां पर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैसे पता चलते हैं कि हमारे लायक हैं या नहीं, मेरे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं या नहीं, मुझे इनको रिकॉर्ड करना है या नहीं. तो सबसे पहले हम यहां करेंगे आइडेंटिफाई, वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस. कैसे पता चलेगा कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में कोई गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं जिनको हम मनी के फॉर्म में देख सकते हैं, सो दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शंस. एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शंस. हमारे लिए कौन से ट्रांजैक्शन मैटर करेंगे, हमारे लिए वो ट्रांजैक्शन मैटर करेंगे जिनमें कुछ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ हो, और किसके बदले में, पैसे के बदले में, जिनको हम पैसे के टर्म्स में देख सकते हैं उनको कहा जाता है ट्रांजैक्शंस हमारे केस के लिए. देन वी हैव जर्नल. जब भी हम इन ट्रांजैक्शंस को सबसे पहली बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, इसका मतलब जिस डेट में वो ट्रांजैक्शन हुआ है उस डेट में उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज नोन एज जर्नलाइजिंग. जर्नलाइजिंग का क्या मतलब है? जब भी हम अपने ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज नोन एज जर्नलाइजिंग. ठीक है, और जर्नल को कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. कहने के पीछे का जो इंटेंशन है वो ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरा ट्रांजैक्शन अभी जिस रूप में है उसी रूप में मैं उसको ऐसे का ऐसा रिकॉर्ड करूं अपनी एक बुक्स में, दैट इज नोन एज ए जर्नल. उसके बाद हम मूव करते हैं. मेरे पास एक इतनी इतनी मोटी सी किताब है जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस लिखे गए हैं, लेकिन जब मुझे किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में देखना होता है तब मुझे उस मोटी सी किताब में छानने में बड़ी दिक्कत होती है. तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक अकाउंट बनाते हैं, हर एक इंडिविजुअल पार्टी से रिलेटेड एक अकाउंट बनाते हैं, और उस अकाउंट में हम जो भी उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन की जो एंट्री हमने जर्नल में की है उसकी पोस्टिंग करते हैं. और पोस्टिंग अपने आप में क्या कहता है कि जब भी आप एक एंट्री देखते हैं तो आपको नजर आता है कि अच्छा, यहां पर एक कैश है और एक मशीन है, तो अब मुझे ये दोनों के अकाउंट्स में उनको रिस्पेक्टिवली इस ट्रांजैक्शंस को शो करना है, दैट इज नोन एज लेजर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस इनटू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स. यहां पर मुझे क्या करना है, जो भी अकाउंट्स यहां पर दिए गए हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस यहां पर दिए गए हैं, मुझे उनको रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में लिखना है. उसके बाद हमेशा ध्यान रखना है, वी हैव ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस कहता है यू हैव टू नाउ समराइज दिस द लेजर्स. आपके पास जितने भी लेजर्स हैं उन लेजर्स का, सारे लेजर्स का बैलेंस आपको एक जगह पे रखना है. आप हमेशा ध्यान देंगे कि इनको यूज किया जाता है
एरिथमेटिक एक्यूरेसी, ये जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिथमेटिक एक्यूरेसी। इसका मतलब ऐसा हम यूजुअली मानते हैं कि अगर मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, अगर मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो हम मानते हैं कि ठीक ही होगा। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि कई ऐसी चीजें होती है जिसमें जिसका असर ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता है। जैसे हमने देखा है कि क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं, फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। तो कई ऐसी चीजें हैं, इसीलिए इसको केवल नाम दिया गया है एरिथमेटिक, मतलब अगर जोड़ घटाव करोगे तो ये बराबर आ जाएगा। उसके बाद वी हैव फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम यूजुअली बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड चीजों को लिखते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल, जो बिजनेस जो मेन काम कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट वेजेस, या वेजेस हैं और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उनको हम यहाँ पर लिखते हैं, ये देखकर कि वहां से चीजें होती हैं ऑपरेशन से रिलेटेड, जो भी हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीजें हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद आती है बारी P&L अकाउंट की। उसके बाद आती है बारी P&L अकाउंट की। P&L अकाउंट क्या कहता है? P&L अकाउंट कहता है कि इसके रिजल्ट के बाद उसमें आप बिजनेस को चलाने का खर्चा भी लिखिए। अभी तक तो सिर्फ ये हो रहा था कि जो मेरा बिजनेस है वो कौन सा मेन काम कर रहा है उसके ऊपर बात हो रही थी। अब आप क्या कीजिए, इसको चलाने का खर्चा भी ऐड कीजिए, बिजनेस को सर्वाइवल के लिए जो खर्चे लगते हैं उसको भी ऐड कीजिए। और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्त एसेट्स और लाइबिलिटीज की। यहाँ पर हम बात करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज की। अगर मैं बात करूं, यहां से हम करते हैं एनालाइज। क्या एनालाइज करते हैं? एनालाइज द रिजल्ट्स। जो मेरे बिजनेस का रिजल्ट है, जो मैंने इतने साल भर काम किया है, जो साल भर मैंने चीजों को देखा है, उसको हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। दिस इज एनालाइजिंग। तो आइडेंटिफिकेशन दैट आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस, देन रिकॉर्डिंग इट इनटू द जर्नल्स, देन पोस्टिंग इट और क्लासिफाइंग इट इनटू द लेजर्स, देन समराइजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, एंड देन एनालाइजिंग आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स। उसके बाद देन कम्युनिकेटिंग इट टू द यूजर्स। दो प्रकार के यूजर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। दो प्रकार के यूजर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो लोग जो मेरे बिजनेस के अंदर रह के, वो लोग जो मेरे बिजनेस के अंदर रह के काम कर रहे हैं और उनको बिजनेस के रिजल्ट से फर्क पड़ता है। हम क्या कह रहे हैं? यूजर वो हैं जिनको मेरे बिजनेस के परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है। और अगर ये वो लोग हैं जो मेरे बिजनेस के अंदर रह के काम कर रहे हैं, जैसे मेरे इम्प्लॉयज, जैसे मेरे डायरेक्टर्स, जैसे मेरे मैनेजमेंट के कोई लोग, वो कहलाते हैं इंटरनल यूजर्स। और जब भी हम बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स की, तो एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जिनको मेरे बिजनेस के परफॉर्मेंस से फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन वो मेरे बिजनेस के अंदर रह के काम नहीं करते। वो मेरे बिजनेस के अंदर रह के काम नहीं करते, लेकिन वो मेरे बिजनेस के बाहर रहकर काम करते हैं, लेकिन उनको भी मेरे बिजनेस के परफॉर्मेंस से पूरा पूरा असर पड़ता है, पूरा पूरा असर पड़ता है। जैसे कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? वो है क्रेडिटर्स, वो है मेरे डेटर्स, वो है गवर्नमेंट, वो है कोई रिसर्चर जो अगर किसी बात पे रिसर्च कर रहे हैं, वो है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वो ऐसे लोग हैं जो बाहर रहकर भी
मेरे बिजनेस के परफॉर्मेंस से उनको सीधा सीधा असर पड़ता है, वो है एक्सटर्नल यूजर्स। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, फर्स्ट इज इंटरनल यूजर्स एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो गए? ये हो गए इंप्लॉयज, ये हो गए इंप्लॉयज, ये हो गए मेरे डायरेक्टर्स, ये हो गए मेरे कोई और मैनेजमेंट के कोई लोग हैं तो वो हो गए, और यहां है मेरे क्रेडिटर्स, यहां है मेरे डेटर्स, यहां है मेरे कुछ इन्वेस्टर्स, यहां पर गवर्नमेंट भी है, यहां पे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले लोग भी हैं जिनसे हम लोन लेके बैठे हैं, उनको भी फर्क पड़ता है कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है कि क्या उनका पैसा वापस आएगा भी या नहीं आएगा, कैसे चलेंगी चीजें। दिस इज नोन एज, ये एक छोटा दोस्त चार्ट हमने बनाया है टू, एक सेकेंड, टू शो द, वेट, टू शो द अकाउंटिंग प्रोसेस, टू शो द अकाउंटिंग प्रोसेस। कौन कौन सी चीजें हैं यहां पर? ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस के बाद जर्नल है, जर्नल के बाद लेजर है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स हैं, फाइनल अकाउंट्स के बाद कम्युनिकेटिंग इट टू द यूजर्स हैं। ठीक है, ये चार्ट आपने बनाना है, ये चार्ट आपने बनाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वी हैव टू नोटबुक्स, फर्स्ट फॉर द कॉन्सेप्ट्स एंड सेकेंड फॉर द प्रैक्टिकल पोर्शंस। तो हमारा जो पहला नोटिंग वाली चीज होगी दैट विल बी द अकाउंटिंग प्रोसेस, जो एक चार्ट के फॉर्म में हमने लिखना शुरू किया है। ये काफी आसान है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको आप लिखने के बाद हम आगे चलेंगे टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा आगे जो भी अकाउंट्स में चलना होगा वो सब कुछ इसी के बेसिस पे चलेगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू थिंग्स फर्स्ट इज पर्सनल सेकंड इज इम्पर्सनल। इसका मतलब पहले वो जो किसी व्यक्ति से या किसी वन टू वन किसी के साथ हमारा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड है, दैट इज नोन एज पर्सनल। और जब भी हम बात करते हैं इम्पर्सनल की, इम्पर्सनल का मतलब होता है ऐसी चीजों से जिससे किसी व्यक्ति का या वन टू वन चीजों का जो कनेक्शन है वो नहीं है। चीजें एज अ जनरल होती हैं, जब जनरल चीजों की बात करते हैं तब वो इम्पर्सनल होता है, और जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं तब वो पर्सनल होता है। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, एंड टू टाइप्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट्स। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स एंड टू टाइप्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट्स। हमारे पास तीन प्रकार के पर्सनल अकाउंट्स हैं और दो प्रकार के इम्पर्सनल अकाउंट्स हैं।
जिसमें सबसे पहली बात आती है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स की, जिसमें सबसे पहली बात आती है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स की। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं, वो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जिसमें जिसमें हम किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड कोई बात करते हैं, किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड कोई बात करते हैं, तब वो होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसका जिस ह्यूमन का कोई नाम हो। नाम वाले लोग हैं ये, राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारे लोग कहलाते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जब भी हम किसी नेचुरल जीते जागते ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तब वो कहलाते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देन वी हैव आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें जिसमें असली में तो जान नहीं है, जिसमें असली में तो जान नहीं है, लेकिन लेकिन ये वो लोग हैं, ये वो एंटिटीज हैं जिनको कानून ने एक पर्सन माना हुआ है, जिसको कानून ने एक पर्सन माना हुआ है। वो असली में तो कोई पर्सन नहीं है, लेकिन जिसको कानून ने एक पर्सन माना हुआ है, उसकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी है, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। जैसे कोई कंपनी, कोई फर्म्स, कोई बैंक्स, ये वो लोग हैं जो अपने आप से तो कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, लेकिन उनको एक ह्यूमन की ही जैसी ट्रीटमेंट लॉ देता है, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, देन वी हैव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। देन वी हैव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। ये जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं कि मैं वो अकाउंट हूं जो किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग से तो रिलेटेड हूं, क्योंकि अगर पर्सन हूं तो इसका मतलब किसी ना किसी ह्यूमन से तो मैं रिलेटेड हूं, या मेरे साथ कोई ना कोई ह्यूमन नेचर का तो काम हो रहा है। तो ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, उसमें आपको कोई ना कोई सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड हुआ मिलता है। इसका मतलब अगर आप किसी अकाउंट को देखें और उस अकाउंट में आपको आगे या पीछे कोई एडिशनल चीज ऐड हुई हुई मिलती है, जैसे अगर हम बात करें सैलरी अकाउंट, तो ये अपने आप में लिखा हुआ है सैलरी, लेकिन जब भी हमें मिलता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, अगर ये क्या है, ये वो लोग हैं जो मुझे किसी का एक याद दिला रहे हैं कि देखो तुम्हें उस आदमी के पैसे देने बाकी हैं, देखो तुमने उस आदमी को पैसे पहले से दे दिए हैं, तुम्हें उससे सर्विस लेनी बाकी है। अगर इस तरीके की कोई बात ये हमें किसी व्यक्ति को याद रखने में हेल्प करता है कि देखो मैंने उसके साथ अभी मेरा सेटलमेंट बाकी है, उसके साथ अभी मेरा सेटलमेंट बाकी है, चाहे वो देना बचा हो या सर्विस लेनी बची हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब भी अगर हमारा कुछ लेना या देना बाकी होता है, तब हम उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब उस व्यक्ति को वो हमें भूलने नहीं देता। क्यों नहीं भूलने देता? क्योंकि अभी अभी हमें उसके साथ सेटलमेंट बाकी है, चाहे उसके पैसे देने बाकी हैं, चाहे उससे पैसे लेने बाकी हैं, चाहे उससे सर्विस लेनी बाकी है, कुछ भी इस तरीके की बात है, दैट कम्स अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। यहाँ पर तीन तरीके की बात हो गई, पहला नेचुरल जो हम हैं आप हैं, दूसरा आर्टिफिशियल जो असली में तो ह्यूमन नहीं है लेकिन लॉ उसको एक सेपरेट ह्यूमन बीइंग के जैसे देखता है, एक सेपरेट एंटिटी के जैसे देखता है, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। एंड देन
एंड देन वी हैव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें कोई एडिशनल चीज़ें ऐड हुई हैं और वो हमें उस व्यक्ति के साथ उसकी ओवरऑल सेटलमेंट को अभी पूरा होना बाकी है, ठीक है। देन वी हैव रियल अकाउंट्स, देन वी हैव रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? वो अकाउंट्स जो पर्टिकुलरली किसी एसेट से रिलेटेड होते हैं, वो अकाउंट्स जो पर्टिकुलरली किसी एसेट से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, किसी भी प्रकार की एसेट हो, तब वो कहलाता है रियल अकाउंट्स। और जब भी हम इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस, अगर इनकी कोई भी बात करते हैं, चाहे कोई खर्चा है चाहे कोई इनकम है या कोई नुकसान है या कोई फायदा है, हमें हमेशा पता है कि एक्सपेंस और लॉस में अंतर होता है। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा जो मैंने किसी बेनिफिट को पाने के लिए किया है, अगर उसके बदले में मुझे कोई बेनिफिट मिला है तब हम उसे कहते हैं एक्सपेंसेस। लेकिन लॉस क्या होता है? लॉस वो होता है जो अगर मेरा जो खर्चा है मेरे इनकम से कम है, अगर मेरा खर्चा मेरे इनकम से कम है तो हम उसे प्रॉफिट कहते हैं, और जब मेरा एक्सपेंस मेरा खर्चा मेरी इनकम से ज्यादा है तब हम उसे लॉस कहते हैं, ठीक है। दिस इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। This is traditional classification of accounts. इसका मतलब पहले ऐसा होता था, अभी भी होता है, लेकिन जो ये basis है, यहीं से चीजों की शुरुआत हुई, यहीं से चीजों की शुरुआत हुई, और तभी आए कुछ rules, golden rules of accountancy के नाम से, golden rules of accountancy के नाम से जो rules आए, वो rules क्या थे? For personal account, debit the receiver and credit the giver. For personal accounts, the rules were debit the receiver, credit the giver. For real account, debit what comes in and credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. उसके बाद whenever we talk about nominal accounts, we have debit all expenses and losses, debit all expenses and losses, and credit all income and profits, या all revenue and profits. These were the golden rules of accountancy as per the traditional rules of accountancy. Traditional पहले के जमाने में यहां से start हुआ था, लेकिन अब जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जा रही है, हमने देखा है कि अब चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, तो उनको देखेंगे कि कैसे होगा। तो दिस वॉज योर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था, 2 का भी ए है सब पॉइंट, अभी एक और चीज हमें देखनी है। नंबर वन इज ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, जिसके कुछ गोल्डन रूल्स हैं। पहला हमने देखा था अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें था ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द यूजर्स। उस डेफिनेशन को जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, जो 11th क्लास में हमने याद की थी, उसको हमने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ठीक है। देन वी हैव हाउ द क्लास अकाउंट्स आर बीइंग क्लासिफाइड, तो जिसमें सबसे पहली बात हमने देखी
थी कि ट्रेडिशनली दो हिस्सों में बांटा गया, पर्सनल इम्पर्सनल। पर्सनल में हमने देखा कि तीन हिस्से हुए, पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा इम्पर्सनल में दो हिस्से हुए, रियल और नॉमिनल। गोल्डन रूल्स क्या थे फॉर पर्सनल अकाउंट्स? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल्स फॉर रियल अकाउंट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद नॉमिनल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, यहां पर ये आप अपने कॉन्सेप्ट्स में नोट करेंगे। उसके बाद नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, आज के जमाने में क्या चलता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनली मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को ज्यादा कंफर्टेबल समझती हूं, आपको समझाने के लिए भी, या आगे जब भी हम चीजों को, चैप्टर्स को आगे लेके जाएंगे, कैसे करेंगे वो सारी चीजें, हमें मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटेंसी के हिसाब से अगर हम करेंगे तो चीजें कम कॉम्प्लिकेट होंगी और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी ने कहा कि देखो, जब भी आप बात करते हो किसी भी ट्रांजैक्शन की, तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें जो भी चीजें इन्वॉल्व होंगी, उस ट्रांजैक्शन में जो भी हुआ होगा, उस ट्रांजैक्शन में जिस भी चीज से रिलेटेड बात हुई होगी, वो हमेशा पांच चीजों में से ही एक होगी। ठीक है, इनका कहना है कि देखो, या तो वो कोई ना कोई एसेट से रिलेटेड होगा, या तो वो किसी ना किसी एक्सपेंस से रिलेटेड होगा, वो कोई ना कोई इनकम या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड होगा, और अगर इन चारों से भी रिलेटेड नहीं हुआ तो वो जरूर कैपिटल का कोई हिस्सा होगा। इन्होंने कहा कि अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखें, तो मुझे पता चलेगा कि दैट मॉडर्न अकाउंटेंसी हैज डिवाइडेड अकाउंट्स इनटू फाइव पोर्शंस। फर्स्ट इज एसेट, सेकंड इज लायबिलिटी, थर्ड इज एक्सपेंस, फोर्थ इज इनकम एंड फिफ्थ इज कैपिटल। इसका मतलब अब आप जो भी रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी लगाओगे वो आप रियल, पर्सनल, नॉमिनल ना सोच के ये सोचो कि ये जो काम हो रहा है, यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं, वो किन चीजों से रिलेटेड है। क्या वो कोई एसेट है? क्या इस ट्रांजैक्शन में जो हो रहा है, क्या वो लाइबिलिटी है? क्या वो कोई एक्सपेंस है? या क्या है वो, क्या चीजें हैं? दैट कम्स अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कहता है कि अगर आपके ट्रांजैक्शन में होने वाला एक इम्पैक्ट एसेट है तो आप किस तरीके से उसको डेबिट या क्रेडिट डिसाइड करोगे। तो अगर आपकी कोई भी एसेट है और अगर उस एसेट में बढ़ोतरी हो रही है, अगर आपकी कोई भी एसेट में कोई बढ़ोतरी हो रही है तब वो डेबिट होगा। सबसे पहले तो आपको ये बात देखनी होगी कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन में जो चीज हो रही है वो कौन से नेचर की है। अगर वो एसेट है तो फिर मुझे उनमें से दो बातें देखनी है कि क्या उस एसेट में इंक्रीज हो रहा है या उस एसेट में कोई डिक्रीज हो रहा है। अगर उस एसेट में कोई इंक्रीज हो रहा है तब मुझे उसको डेबिट करना है, और अगर उस एसेट में कुछ भी डिक्रीज हो रहा है तब वो मुझे क्रेडिट करना है। देन वी हैव लाइबिलिटीज।
अगर वो लाइबिलिटी है और अगर उसमें भी चेक करना है कि क्या उसमें कोई बढ़ोतरी हो रही है या क्या उसमें कमी हो रही है, अगर उसमें कमी हो रही है तो आप उसको डेबिट करेंगे, लेकिन अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है तब आप उसको क्रेडिट करेंगे। देन इफ यू टॉक अबाउट एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज अ डेबिट एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस इज क्रेडिट। डिक्रीज इन इनकम और रेवेन्यू इज डेबिट एंड इंक्रीज इन इनकम और रेवेन्यू इज क्रेडिट। द सेम अप्लाइज टू कैपिटल एज वेल, डिक्रीज और इंक्रीज। सो दिस इज योर मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटेंसी एज वेल एज मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ोगे कैसे? इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट। डिक्रीज इन लाइबिलिटीज इज डेबिट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इज क्रेडिट। अब आप बोलो मेरे साथ, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिट एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस इज क्रेडिट। एंड सेम अप्लाइज टू हियर एज वेल। अब आपको इसको पढ़ना आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। डिक्रीज इन इनकम इज डेबिट एंड इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिट। सेम अप्लाइज टू कैपिटल एज वेल। डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिट एंड इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें भी आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें हमारे अकाउंट्स को रूल करती हैं। आई नो इसमें से आपने कई सारी चीजें पहले से देखी हुई हैं, लेकिन हम सीधा चीजों को चैप्टर्स पे जंप नहीं कर सकते हैं। हमें चीजों को एक पाथ से स्टार्ट करना होगा, पाथ से स्टार्ट करके उन चीज़ों को वहां तक ले जाना होगा। हम एकदम से चीज़ों को, मैं आपसे नहीं कह सकती कि चलिए हम एवरेज ड्यू डेट पढ़ना शुरू करते हैं। हमें लाइन से स्टार्ट करके एक दूसरे को धीरे धीरे समझ के कि किस लेवल का बेसिक हमें सीखना है, किस लेवल की बातों की शुरुआत हमें करनी है, उस तरीके से हमें एक दूसरे को समझना होगा। अभी हमने यहाँ पर तीन टॉपिक्स देखे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पेपर नंबर 1 जो कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है, 100 नंबर का पेपर है, 5 क्वेश्चन आपने करने हैं, 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। हमने देखा कि 10 चैप्टर हैं जिनको 2 मॉड्यूल्स में बांटा गया है। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक कौन से हैं, मॉड्यूल 1 है, और चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक मॉड्यूल 2 है। ठीक है, हमने देखा है कि हमें चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने पहले कभी भी नहीं देखे हैं, तो इसको हमें वापस स्टार्टिंग से बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। और जो चीज़ आप ऑलरेडी देख चुके हैं वो मुझे और ज़्यादा मेहनत से आपको समझानी पड़ेंगी, बिकॉज यू हैव योर परसेप्शंस मेड। देन वी हैव सीन अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस ने हमें बताया कि वी हैव ट्रांजैक्शंस, देन वी हैव जर्नल, देन वी हैव लेजर्स, देन वी हैव ट्रायल बैलेंस, वी हैव फाइनल अकाउंट्स, एंड देन वी हैव यूजर्स। मैंने आपको ये बात बताई कि देखो यूजर्स कौन है, जिनका कोई इंटरेस्ट मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ है, जिनको मेरे ऑर्गेनाइजेशन के काम करने से फ़र्क पड़ता है, जिनको हम स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन लोग होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनको मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस से फ़र्क पड़ता है, वो चाहे मेरे बिजनेस के अंदर रहें, दैट इज़ इंटरनल यूजर्स, चाहे वो मेरे बिजनेस के बाहर से मेरे साथ काम कर रहे हों, दैट इज़ एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, आपको हो सकता है क्वेश्चन आए एम्प्लॉयज आर द एक्सटर्नल यूजर्स, ट्रू और फॉल्स, तो आपको बताना होगा कि एम्प्लॉयज आर द इंटरनल यूजर्स। ठीक है, देन वी हैव सीन द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, देयर वर पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल ने हमें देखा कि इट इज़ नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। फिर हमने देखा कि इम्पर्सनल इज रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, देन वी हैव सीन द रूल्स, दैट इज डेबिट व्हाट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। देन वी हैव सीन दिस, हम इस वाले रूल को आगे लेकर के चलेंगे।
हमेशा आगे का जितने भी चैप्टर्स हम बनाएंगे विल डील विद द मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, जिसको अपने आप में पांच हिस्सों में बांटा गया है. पहला है एसेट, दूसरा है लाइबिलिटी, तीसरा है इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल. मैंने आपको इसको रीड करना भी सिखा दिया है कि कैसे रीड होगा. आप देख सकते हैं कि एसेट और एक्सपेंसेस के रूल सेम हैं और इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल का रूल सेम है. दैट इज़ अगर ये दोनों बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट, और ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम होते हैं तो डेबिट. ये आपको याद करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, और जैसे 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 चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी हम और इन चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे. तो अभी यहाँ पर हम इस चीज़ को रेस्ट करेंगे. You know the situation outside is not very good, so please take care of yourself and the people around you. And इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ते चलिए. आपके भी जो अटेम्प्ट है वो दिख रहा है सामने. It will be very soon, पता भी नहीं चलेगा. So till then, I'll see you the next time. Till then, please take very good care of yourself and the people around you. Goodbye. See you.